कई लोगों से यदि LIC पॉलिसी के बारे में बात करो तो उनका एक ऑब्जेक्शन होता है कि यार LIC की पॉलिसी में जो रिटर्न मिलता है, जो ब्याज मिलता है, वो बहुत ही कम मिलता है। इसकी जगह यदि हम और कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाता है, तो फिर मैं LIC पॉलिसी क्यों लूं? क्यों ना मैं दूसरी जगह पैसा इन्वेस्ट करूं जिससे मुझे बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो जब भी आपको कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन दे तो आपको उस व्यक्ति से कहना है, भैया मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, और देखा जाए तो LIC की जो पॉलिसी है, जो उससे रिटर्न मिलता है, वो बाकी के जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान है उनसे थोड़ा बहुत कम हो सकता है। मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन भैया मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट प्लान है जहां पर आपको बताया जाता है कि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो 6% मिलेगा, 10% मिलेगा, या 12% मिलेगा, या 15% मिलेगा, ठीक है, जो उन्होंने बताया वहां पर आपको उतना रिटर्न मिलेगा, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन भैया मैं आपको बताना चाहूंगा वहां पर आपके पैसों की आपको बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। और रही बात रिटर्न की 12%, 15%, 10%, तो उसको तो आप भूल ही जाइए, वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बात की बात है, लेकिन वहां पर आपके कैपिटल की भी गारंटी नहीं है। यानी जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, जो भी आप इन्वेस्ट करोगे उस पैसों की भी आपकी गारंटी नहीं है। यानी देखा जाए तो जिस भी वित्तीय संस्थान में आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, यदि वो कंपनी को नुकसान हो जाता है, या जो भी आपने म्यूचुअल फंड लिया है, शेयर मार्केट लिया है, यदि उसमें किसी भी तरह का नुकसान हो जाता है, तो देखा जाए तो जो आपका इन्वेस्ट किया गया पैसा है उस पर आपको रिटर्न ज्यादा मिले या कम मिले वो तो नहीं पता, लेकिन आपके कैपिटल की भी गारंटी नहीं है। यानी जो आपने पैसा इन्वेस्ट करा है वो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। लेकिन यदि बात की जाए LIC पॉलिसी की, तो यहाँ पर जो आपको रिटर्न बताया गया कि आपको 6%, 7% जो भी प्लान में बताया गया वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और LIC में ऐसे बहुत सारे प्लान है जिसमें आपको लिखकर गारंटी दी जाती है कि जो हम बता रहे हैं कि आपको इतना परसेंटेज मिलेगा वो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप चाहो तो उन प्लानों को भी ले सकते हैं। और यदि किसी प्लानों में नहीं भी बताया गया है, आपको गारंटी नहीं भी दी जाती रिटर्न की, तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी तक जितने भी LIC के प्लान लोगों को दिए गए हैं उनका जो रिटर्न उनको मिला है वो बहुत अच्छा देखने को मिला है। तो आप भी जो LIC प्लान लोगे उसमें आपको जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा, और ज्यादातर कंडीशन में जितना आपको कमिटमेंट किया गया है उतना रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये तो हुई ब्याज की बात, रिटर्न की बात, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा LIC पॉलिसी यदि आप लेते हो तो यहाँ पर आपका जो कैपिटल होता है वो 100% गारंटेड होता है। यानी जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करा है LIC पॉलिसी लेकर के, वो पैसा आपका पूरी की पूरी तरह सुरक्षित है। और देखा जाए तो आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से किस तरह से सुरक्षित है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा LIC अपने पॉलिसी के ऊपर सॉवरेन गारंटी देती है। यानी देखा जाए तो जो आपकी LIC की पॉलिसी है उसका पैसा तो LIC कंपनी आपको देगी ही देगी, लेकिन यदि कभी ऐसा हो जाता है, जो कि देखा जाए तो बहुत इम्पॉसिबल है, ऐसा कभी नहीं होगा, कि यदि LIC कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो आपका पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, यानी केंद्र सरकार देगी। तो देखा जाए तो आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। जो आपसे रिटर्न की बात की गई है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो आपका कैपिटल है वो 100% गारंटेड है, यानी आपका नुकसान कभी नहीं होगा। और देखा जाए तो LIC के अलावा देश में ऐसी कोई वित्तीय संस्था नहीं है जहां पर आपका पैसा पूरी तरह से गारंटेड हो। तो देखा जाए तो आपकी LIC पॉलिसी पर जो आपको रिटर्न मिलता है वो 100% से भी ज्यादा आपको मिलता है, क्योंकि जितने भी वित्तीय संस्थान है वो आपको रिटर्न तो बताते हैं, ब्याज तो बताते हैं कि आपको 6% मिलेगा, 7% मिलेगा, 10% मिलेगा, 12% मिलेगा, लेकिन वो आपको ये नहीं बताते कि आपके कैपिटल की कोई गारंटी नहीं है। यानी आपने 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर भी दिए तो कब वो जीरो हो जाए या कब बहुत कम हो जाए कोई नहीं जानता, लेकिन LIC पॉलिसी लेने के बाद आपके कैपिटल की 100% गारंटी है कि वो तो सुरक्षित है ही, और साथ ही साथ जो आपको रिटर्न बताया गया वो भी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस तरह देखा जाए तो LIC पॉलिसी से ज्यादा रिटर्न आपको कहीं नहीं मिल सकता। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि LIC पॉलिसी हो या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, ठीक है आप रिटर्न देखते हो, देखिए कोई दिक्कत नहीं, आपको रिटर्न बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो LIC पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए ली जाती है ताकि आपका परिवार पूरी तरह से आर्थिक रूप से सुरक्षित रहे। यानी भगवान ना करे लेकिन यदि कभी आपके साथ कुछ सुख दुख हो जाता है तो आपके परिवार को इतना पैसा मिल जाए जो यदि आपका परिवार बैंक में भी रखे तो उसका जो ब्याज है वो इतना हो जिससे कि उनके महीने का खर्च बहुत ही आसानी से पूरा हो सके। यानी आपके रहने पर जो भी छोटे बड़े खर्चे हैं, खाने पीने के, घूमने फिरने के, मेडिकल वगैरह के, बच्चे के एजुकेशन वगैरह के, घर का किराया वगैरह, यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जो भी खर्चा आपके रहते हुए बहुत ही आसानी से पूरा हो जाता था, वो खर्चा आपके ना रहने पर भी बहुत ही आसानी से पूरा हो सके, इसीलिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी LIC पॉलिसी ली जाती है। और देखा जाए तो LIC पॉलिसी पर इसलिए ज्यादा जोर दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको 100% गारंटी मिल जाती है, आपको भारत सरकार की गारंटी तो मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ LIC एक इतना बड़ा ब्रांड है, इतनी बड़ी वित्तीय संस्था है कि जहाँ पर आपका जो पैसा होता है वो पूरी तरह से सुरक्षित तो होता ही होता है, बाकी जो आपको रिटर्न बताया जाता है वो रिटर्न भी आपको दिया जाता है, क्योंकि देखा जाए तो LIC जो अपना पैसा है वो बहुत अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करती है जहाँ से बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, जिससे LIC भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे पाती है।